यानी कि बाबा साहब के संविधान की हत्या करने में। जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुजन समाज की अपडेट। दोस्तों बहुजन समाज के लिए जो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से। दोस्तों अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। दोस्तों उन्होंने अभी अपना एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आबादी के अनुपात में 27% से ज्यादा बढ़ाया जाए ओबीसी आरक्षण। यानी कि दोस्तों अनुप्रिया पटेल जी ने ओबीसी का जो आरक्षण है जो उन्हें 27% मिलता है उसे बढ़ाने को कहा है। दोस्तों बड़ी बात, अनुप्रिया पटेल जी ने मोदी सरकार को जाति आधारित जनगणना करने की मांग की है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि बीजेपी इस सीमित रिपोर्ट के जरिए पिछड़ों को बांटना चाहती है। आप देख सकते हैं दोस्तों अनुप्रिया पटेल जी अभी गठबंधन में है एनडीए के और वो केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी है, लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रही है ऐसा लगता है कि वो बीजेपी से खुश नहीं है और जल्द ही एनडीए छोड़ सकती है। और जिस तरीके से बीजेपी ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है वो उससे भी खुश नहीं लगती है, उन्होंने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात की है। दोस्तों अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। दोस्तों कल संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है उसका खुलकर विरोध किया, और मेरे को जहां तक लगता है उन्होंने इसके विपक्ष में वोट किया, यानी कि सवर्णों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इसके पक्ष में वोट किया संसद में। दोस्तों संसद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जी ने मोदी सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि उन्होंने संसद के अंदर कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि यह बिल संविधान के साथ खिलवाड़ है और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक आधार पर यह जो बिल लाया गया है यह संविधान की आत्मा के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्ण जातियों का आर्थिक पिछड़ेपन का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है फिर भी उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, मैं इस बिल का कड़ा विरोध करता हूं। दोस्तों यह बात कही थी असदुद्दीन ओवैसी जी ने। दोस्तों आगे झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों के लिए और अधिक आरक्षण की मांग की है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए आपको पता ही होगा कि भारत में इनकम टैक्स जो वसूला जाता है जिसकी एनुअल इनकम यानी कि सालाना आय 2.5 लाख से ऊपर होती है उससे टैक्स वसूला जाता है, लेकिन दोस्तों आरक्षण का जो बिल है स्वर्णों के लिए 10% का जो कोटा ला रही है सरकार, इसमें आपको पता है जिसकी आय 8 लाख तक होगी यानी कि अगर वो 2.5 लाख से भी ज्यादा कमा रहा है और वो टैक्स पेयर भी है और सरकार के हिसाब से अमीर भी है, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर कमाने वाले को सरकार अमीर मानती है और उससे टैक्स वसूलती है, लेकिन जो स्वर्ण 8 लाख तक की कमाई कर रहा है या उससे नीचे तक की कमाई कर रहा है तो उसे भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस आरक्षण के कोटे के अंदर 95% लोग कवर हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों जो स्वर्णों का 10% रिजर्वेशन कोटा है उसमें करीब 95% लोगों को फायदा मिलेगा और 85% हमारे बहुजन समाज के लिए सिर्फ 50% कोटा, उतना भी नहीं है, 49.5% है सिर्फ। दोस्तों हमारे जो बहुजन समाज के नेता है मायावती जी हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, वो सब मांग कर रहे हैं कि ओबीसी का जो कोटा है जो 27% है उसे बढ़ा के उनकी जनसंख्या के अनुपात किया जाए, और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। अगर आप लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग भी ओबीसी का कोटा बढ़ाने की बात का समर्थन करते हैं। दोस्तों जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है ना वो आ रही है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से। दोस्तों उन्होंने स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का पिछली बार भी विरोध किया था जब मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी, वो अभी भी स्वर्णों को आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं समाज के साथ गलत होते हुए नहीं देखना चाहता, अगर समाज के साथ बहुजन समाज के साथ कुछ भी गलत होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, भलाई कितने भी सांसद SC ST के इसके पक्ष में खड़े हो जाए लेकिन मैं समाज के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों उनके वीडियो की मेरे पास क्लिप है जो उन्होंने कहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। वर्तमान की केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण का फॉर्मूला अपर कास्ट के लिए आर्थिक आधार पर लागू करने की पहल की और वो संसद में पास हो गया। मात्र 3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए, बकाया वो
सभी एमपी जितने भी थे सबने वो साइन किया। यानी कि बाबा साहब के संविधान की हत्या करने में सब लोग साथ हैं। और दोस्तों आगे चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे ओबीसी भाइयों को जागने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी भाइयों का हक मारा जा रहा है और ओबीसी भाइयों को जागना चाहिए। आप लोग सब जानते होंगे कि जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब वो चुनाव हार गए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री निवास छोड़ दिया था, और हमारे योगी जी जो एक महान व्यक्ति है और नामकरण करने में उनकी विशेषता है, तो दोस्तों उन्होंने जब अखिलेश यादव जी ने अपना मुख्यमंत्री निवास छोड़ दिया था और जब उन्होंने उसमें प्रवेश किया योगी जी ने, तो उसे गौ के मूत्र से धोया था। आम लोगों का जो भी होता है छिड़कना मिड़कना पूजा पाठ गौ के मूत्र से करी थी। दोस्तों इसके ऊपर चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी दो उदाहरण है, दलित समाज का राष्ट्रपति हो सकता है लेकिन मंदिर में नहीं जा सकता है, अपवित्र हो जाएगा। ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री हो सकता है लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटेगा उसको गाय के मूत्र से विसर्जन वो किया जाएगा, धोया जाएगा, साफ किया जाएगा, क्योंकि अछूत है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे और भी शानदार शानदार वीडियो आने वाली है जो भोजन समाज के लिए होगी, और भोजन समाज के लिए ये पूरा चैनल समर्पित है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, बिना तो कहीं पर भी मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर दोस्तों आप लोग भोजन समाज की न्यूज जानना चाहते हैं, भोजन समाज की सारी अपडेट जानना चाहते हैं और क्या क्या भोजन समाज में हो रहा है और क्या क्या भोजन समाज के साथ चल रहा है सब कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है और उसके बाजू में ही नोटिफिकेशन बेल है, अगर आप लोग उसे दबा देंगे तो हमारे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।